आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी के बारे में, जो कि विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं में उनके हर अंग के अलग अलग रहस्य बताए जाते हैं। उनके मस्तक में ब्रह्मा लोक, नाभि में ब्रह्मांड और पैरों में सप्तलोक माना जाता है। विभिन्न कल्पों के अनुसार गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की भी मान्यता है। आज हम ऐसी ही कुछ कथाओं का जिक्र करेंगे, जिनमें सबसे प्रमाणिक कथा गणेश पुराण की मानी जाती है। गणेश पुराण की कथा के अनुसार कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने के बाद परशुराम जी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत गए। रास्ते में गणेश जी ने उन्हें रोका, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया और युद्ध में गणेश जी हावी हो गए। परशुराम जी ने भगवान शिव के दिए फरसे का प्रयोग उन पर कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तब से वे एकदंत कहलाए। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार भगवान गणेश के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे। गणेश जी ने इतना विघ्न उत्पन्न कर दिया कि कार्तिकेय उन पर रुष्ट हो गए और गणपति का एक दांत तोड़ दिया। यह बात भगवान शिव तक पहुंची तो उन्होंने समझा कर कार्तिकेय से गणेश को उनका दांत वापस लौटाने के लिए कहा। कार्तिकेय ने शिव जी की बात मान ली, साथ ही गणपति को ये अभिशाप भी दिया कि उन्हें अपना टूटा दांत हमेशा अपने साथ ही रखना होगा। अगर वो दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत उन्हें भस्म कर सकता है। तभी से गणपति एकदंत कहलाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त था। इस वरदान के बल पर वो अजय हो गया और उसने देवताओं, ऋषि मुनियों और आम जनता को त्रस्त करना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी संतान गणेश जी को गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए भेजा। गणेश जी और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गजमुखासुर अपनी अजय शक्ति के कारण गणेश जी पर हावी होता रहा। गणेश जी ने समझ लिया कि वे अपने सामान्य हथियारों से गजमुखासुर को हरा नहीं सकते। तब उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपने एक दांत को तोड़कर उसे गजमुखासुर पर फेंक दिया। गजमुखासुर का दांत टूट गया और वो मूर्छित हो गया। इसी मौके का लाभ उठाकर गणेश जी ने उसे बंदी बना लिया और देवताओं, ऋषि मुनियों और आम जनता को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास जी की गति बहुत तेज थी और वे लगातार बोलते रहते थे। गणेश जी ने महाभारत को लिखने का कार्यभार संभाला। वेद व्यास जी की तेज गति के कारण गणेश जी की लेखनी टूट गई। लेखन कार्य रुकने न देने के लिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर लेखनी के रूप में उपयोग किया और इस प्रकार उन्होंने पूरी महाभारत लिखी। भगवान गणेश जी के एक दांत को माया और माइक का प्रतीक भी माना जाता है। माया का अर्थ है भ्रम और माइक का अर्थ है मोह। एक दांत तोड़कर भगवान गणेश जी ने हमें यह संदेश दिया कि हमें माया और माइक के मोह से मुक्त रहना चाहिए। गणेश जी के एक दांत वाले स्वरूप को एकदंत गणपति कहा जाता है। यह स्वरूप बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये भगवान गणेश जी रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव विनम्र और विघ्नमुक्त रहना चाहिए। भगवान गणेश जी ज्ञान, बुद्धि और विवेक के देवता हैं। आइए हम उनकी पूजा करें और उनसे प्रेरणा लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। आपके अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।